हम पढ़ाई में बहुत लड्डू थे, माफी चाहेंगे। थोड़ा अगर ज्यादा बोल जाएं तो मेरे मैनेजर कहते थे अच्छा करो मुंबई भेज देंगे, हमको गोली देते रहे। तुम बिहारी वर्जन ऑफ बसंती हो। जितनी बातुनी उतनी ही सुरीली। इंडियन आइडल जल्द सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। अरे भाई साहब, हमारी बीवी संगीता यहाँ कपड़ा खरीदने आने वाली थी, आइए क्या देख देखिए ये फोटो है इसको यहाँ। नहीं इनको नहीं देखा यहाँ पर। क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि एक देश की तरक्की उस देश के लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने खुश हैं, इस बात से नापी जाती है। लेकिन हम जब हमारे देश में औरतों पर बलात्कारों और अत्याचारों की बढ़ोतरी देखते हैं तो मन में सवाल आता है कि हमारा देश किस ओर प्रगति कर रहा है। अगर हमारे देश की बहू बेटियां रास्तों पर बिना झिझक के चल नहीं सकती तो हम अपने देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सिर्फ हवस बुझाना कारण नहीं होता बल्कि बदला लेना, अपने स्वार्थ सिद्ध करना भी उसमें शामिल होता है। कैसे हो दीदी? अरे 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 काकी, ये देखो कितना बाहर अचार गिरा दी हो, ऐसे वेस्ट करोगी? हमको टेस्ट कराइए तो थोड़ा मसाला। एकदम परफेक्ट बना है इस बार, पिछली बार नमक को जोर दे दी थी, इसी को मेंटेन करो। हाँ अरे फोन किसका? तिवारी जी। हाँ तिवारी जी नमस्कार, बोलिए। अरे आपका ऑर्डर कल शाम तक पहुंच जाएगा। ठीक है नमस्ते। सॉरी दीदी आज थोड़ा लेट हो गया। अरे एक मिनट लक्ष्मी, हाथ सैनिटाइज की हो ना? नहीं दीदी भूल गई, वो जल्दी जल्दी भूल गई। अरे अपने को भी बीमारी लगाओगी और सबको फ्री में बांटोगी, और जानती हो सरकार ने नोटिस जारी किया है, अगर एक भी पॉजिटिव मिल गया ना तो पूरी फैक्ट्री में इतना बड़ा ताला लग जाएगा। दीदी मैं भी करती हूँ। हाँ भूलना नहीं। हाँ हाँ दीदी चलो चलो जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो, शाम तक निकलना है। जी टीचर। हाँ वो लेसन वो आ गया समझ में। नहीं वो लेसन मैं कर लूँगी। हाँ ठीक है। कहाँ चल रहा है ये सब? हाँ यहाँ काम के टाइम पे तुम अपना ऑनलाइन स्टडी कर रही हो। सॉरी मैडम। अरे सॉरी बोलने से कैसे चलेगा, पढ़ाई तो करे पड़ी ना। अरे कल से 2 घंटा लेट आना ठीक है, लेकिन अपना स्टडी घर पे कंप्लीट करके आना ताकि यहाँ भी अच्छे से काम कर पाओ और स्टडी को भी पूरा ध्यान दे पाओ। और लक्ष्मी इसका पगार में नहीं काटेंगे पैसा। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस कोरोना जैसी महामारी में भी हम दोनों को नौकरी पे रखा। ठीक है जाइए अब आप काम कीजिए और तुम अपना स्टडी कंप्लीट कर लो। थैंक यू मैडम। अरे गुप्ता जी काहे टेंशन ले रहे हैं, बोल रहे हैं ना आपको डिलीवरी आपको कल तक हो ही जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं हम सॉल्व करते हैं। हाँ पूरा 100 डब्बे का डिलीवरी पहुँचा देंगे। हाँ दादा कलेक्टर बन रही हो, खुद डिसीजन ले ली, गुप्ता जी का डिलीवरी काहे रोका है? अरे जी अपना सूट तो देखिए, अब गुप्ता जी का डिलीवरी हम इसलिए रोके क्योंकि उनका पेमेंट हमेशा डिले होता है। डिले होता है ना, आता तो है ना पेमेंट। और ये मत भूलो कितना बड़ा बड़ा ऑर्डर देते हैं वो, तुम्हारे 4 के बराबर एक ऑर्डर होता है उनका। एक तो दूसरा स्टेट में डिलीवरी पहुंचाने का टेंशन, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ऊपर से जो कांच बीज का बर्नी टूट जाता है उसका भी वो कुछ नहीं देते, सब हम भरते हैं है? और इतना सब करने के बाद में पेमेंट के लिए फॉलो अप। बहुत ज्यादा धंधा ना सिखाना हमको, समझ में आया? कल का कल डिलीवरी पहुंच जाना चाहिए वरना घर पे बैठो और अपने औकात के हिसाब से चूल्हा चौका करो बस। बस बस हो गया, ले आए। माँ जी आप ही चाय बना दीजिए।
लाओ भाई खाना लाओ। प्रिया ये मोबाइल छोड़ो और खाना खा लो पहले, चलो ये लीजिए। हम क्या सोच रहे थे ना कि ये जो अचार का बिजनेस है इसको बढ़ाने के लिए अगर हम एडवर्टाइजमेंट करें तो कैसा रहेगा? वाह, मतलब नील बटे सन्नाटा, जो पैसा प्रचार में लगाएंगे उसी को मुनाफे में कमाएंगे। वाह, कमाल की तरकीब लगाई। पहले से ही हमारा माली हालत खराब है, उसको और खराब होने का जुगत लगा रही। अरे नहीं बाबूजी, आप समझ नहीं रहे हैं, बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। देखिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सेल भी तो बढ़ेगा। 20-20 डब्बों से शुरू किया था हमने ये धंधा, समझे? और आज लारी की लारी भर के जाती हैं। अरे हमको मत समझाओ फैमिली बिजनेस कैसे है और ये कैसे बढ़ेगा। और ये जितनी जवान लड़ा रही हो ना तुम हमसे, ये तुम्हारा गलती है ही नहीं, सब इसका गलती है। जिस औरत को रसोई में होना चाहिए था उसको धंधे की मालकिन बना के बिठा दिया है और आज हमें ये ज्ञान दे रही है। बाबू जी नाराज काहे हो रहे हैं, संगीता पढ़ी लिखी है तो उसको नॉलेज है। हर समय ऐसी बात करता है जैसे चोरू का गुलाम हो, बजाय इसको समझाने के कि घर में रहे चौका चोला संभाले, हम ही को बता रहा है कि हम ही गलत हैं। वाह। अरे बाबूजी शांत हो जाइए, काहे मगज को गरम कर रहे हैं। अरे वो आपकी बात को गलत थोड़ा ही कह रहे हैं, वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि घर की औरत अगर घर का भी काम करे बाहर का भी काम करे तो उसमें दिक्कत का है। ऐसा कपूत जनी हो तुम कि पहले हमारी बेइज्जती की, अपने मन से लव मैरिज की, एक ऐसी लड़की को लाकर हमारी छाती पर बैठा दिया जो हमसे जबान लड़ाती है। अरे बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखी है? अरे बाबूजी खाना तो खा लीजिए। अरे जीतू कहाँ हो गया? जीतू कहाँ हो गया बेटवा, काहे ऐसा खाना छोड़ के आ गए तुम? हाँ मम्मी, उनको दादाजी नहीं पसंद। ऐसा नहीं कहते बेटवा, तुम्हारे दादाजी हैं वो। हाँ तो आपको इतना लड़ते का है? हमें उनसे डर लगता है, हम दोनों पापा और दीदी को उन्हें छोड़ के जा नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं कहते बिटवा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी मम्मी, डरने का कोई जरूरत नहीं है, हम तुमको कछु नहीं होने देंगे, ठीक है? अब खाना खा ले चल के। मिश्रा जी से मैं पेमेंट लेके एक घंटे में आता हूँ। चक्की में मसाला, हाँ ले आएंगे, भी देख लीजिएगा। हाँ भाई पापड़ का क्या हाल है? आइए सेठ जी, आरती उतारे हैं आपका। अरे हम इंतजाम कर देंगे सब, बस थोड़ा सा समय दीजिए, हो जाएगा। कब? जल्दी कर देंगे। एक सप्ताह का समय दिए थे ना, 35 लाख लेके डकार तक नहीं मार रहे हो, गजब का पाचन शक्ति है तुम्हारा। अबे कर्जा लियो कर्जा, बेटी नहीं भी आए हैं कि दहेज समझ के घोट गए। भाई इंटरेस्ट वाला भी तो दे रहे हैं आपको, धंधा जम रहा है, जैसे ही होगा धीरे धीरे करके सब चुका देंगे। झूठ बोलता है तुम साला, इंटरेस्ट में भी कहाँ इंटरेस्ट ले रहे हो, 2 महीने का बाकी है, हमको बहाना टिका रहे हो, खर्चाला पलप कर रहे हो, कब देगा है? कैसे हाथ उठा दिए इन पे आप? हाँ डिब्बा किसको देना है, कब देना है, जान रहे हो ना? एकदम ध्यान से ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। कहो जीत जी, कहो रहे सब? अरे काम है हमारा। काम से क्या मतलब है, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? ज्यादा डिटेक्टिव मत बनो, आप हमसे कुछ छुपाने का कोशिश कर रहे हैं। पर तुम होती कौन हो हमसे सवाल करने वाली? अपना पति का आचार वाले बिजनेस में घुसी हो, उसका बैंड बजा रही हो, काफी नहीं तुम्हारे लिए? हमारे वाले काम में घुस रही हो। और सुनो, हमारे काम में पंचायती की ना तो घर पे बैठा देंगे तुमको, निकला यहाँ से। लेकिन चलो चाचा निकालो गाड़ी।
आगे मत आओ। बचाओ, कोई है? नहीं। अरे बेटा, मम्मी आपकी मम्मी घर पहुंची क्या? नहीं पापा, मम्मी तो आपके साथ आने वाली थी। अरे हम यहाँ मार्केट में ही हैं, संगीता यहाँ नहीं पहुंची है। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, फोन लगाए थे उसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है हमको, पता नहीं कहाँ चली गई वो। पापा, मम्मी ठीक तो होगी ना? संगीता का कुछ पता चला? नहीं बाबा, बहुत ढूंढे उसको, पूरा मार्केट छान मारे, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। पापा, पापा मम्मी कहाँ है? कहाँ है वो? पापा उन्हें घर ले आओ। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, मम्मी आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कमलेश, हमको देर नहीं करनी चाहिए, फौरन हमको पुलिस के पास चलना चाहिए। भैया, भैया कहाँ है? सुनील तो सुबह से नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया है। हमको बहुत डर लग रहा है, कुछ कुछ बुरा होने वाला है, बहुत डर लग रहा है हमको। सुनीता जी, ये रस्सी मिली है। ये गले का चादर हटाओ। ये गले का निशान देखकर लग रहा है कि गला घोटकर मारा गया है, और शायद इसी रस्सी का इस्तेमाल हुआ है। पूजा, जरा उसकी फोटो निकालो और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, देखो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है क्या। सर, अरे कुछ मिला क्या? नहीं सर, ढूंढ रहा हूँ। सर, ये आने के लिए दो रास्ते हैं, तो दोनों पे काफ़ी चहल पहल होती है, कोई ये सब दिन में करेगा ऐसे लगता नहीं है, जो कुछ भी हुआ है रात में हुआ है। दोनों रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं सबकी फुटेज निकलवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, हमारे समाज में आज भी अपना हक मांगने वाली, अपनी राय रखने वाली औरत को बेबाक, असभ्य माना जाता है। हमारे समाज में आज भी महिलाओं को घर गृहस्थी के अलावा कुछ भी सोचने की खुली छूट नहीं दी जाती। संगीता एक समझदार, शिक्षित और निडर महिला थी, लेकिन उसका तर्कसंगत होना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कई पुरुषों के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला साबित हुआ। और क्या यही वजह एक संवेदनशील स्त्री के अंत का कारण बनी? इस औरत की बॉडी में कल तालाब के पास मिली थी, पता चला है कि उसका नाम संगीता शर्मा है। उसकी फैमिली ने कल निरुआ नगर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन स्टाफ कम होने की वजह से वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो पाई। अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम पे शुरू हो जाती तो शायद ही संगीता की जान भी बच जाती। शर्मा, संगीता की फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को आइडेंटिफाई कराओ। संगीता सर, कल हम विमल नगर वाले मंदिर में 5 बजे संगीता से मिलने वाले थे। मैं क्लाइंट से पैसे लेकर मैं भी वहीं पहुंचने वाला था सर। सर, वहां पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो गई। सर, जब वहां पहुंचे तो कोई नहीं, बहुत ढूंढा उसको सर, कहीं दिखी नहीं हमको। सर, फोन भी किया उसको, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था सर। मंदिर के बाद वो कहीं और भी जाने वाली थी? हाँ सर, हम दोनों मार्केट जाने वाले थे, उसके लिए साड़ी खरीदना था हमको, हमारी अगले हफ्ते मैरिज एनिवर्सरी, इसलिए सर। सर, मार्केट में सबसे पूछा, पूछताछ की, पता नहीं कहाँ चली गई थी, कोई नहीं देखा था सर उसको वहाँ पर। अच्छा, आपको किसी पर शक है जो उसके साथ ऐसा कर सकता हो? सर, लल्लन सर, सर बहुत है गुंडा टाइप आदमी है सर, पता नहीं हमारी मती मारी गई थी कि अपने बिजनेस के लिए उससे ब्याज पे हम पैसा ले लिए थे।
चार महीने सर हमारा जिंदगी त्रास कर दिया था, जीना हराम कर दिया था सारा बारा। कैसे हाथ उठा दिए इन पे आप? हाँ मर्दों का बातचीत है भौजाई, अलग रहिए आप। आप ऐसा करिए अचार पापड़ बना लीजिए तब तक, है ना? ज्यादा बोलिए मत, लोन लिए हैं, अपना जिंदगी गिरवी नहीं रखे हैं। अब एक को बार आपने हमारे पति के ऊपर हाथ उठाए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते हैं। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना? हाँ बैठ के इंटरेस्ट खाइए ना चुपचाप, काहे इतना चिल्लन चिल्ली कर रहे हैं आप? खाइए ना इंटरेस्ट बैठ के, दे देंगे जब पैसा आएगा हमारे पास। अरे संगीता तुम अंदर जाओ। अरे हम बात कर रहे हैं। संगीता तुम अंदर जाओ भाई। सर मारपीट का धमकी तो आए दिन देता रहता था, लेकिन सर एक दिन तो हदें पार कर दिया सर। अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता कि कर्जा लिए हैं, कोनो कोई जुल्म नहीं किए, किसी का खून नहीं किए, और इंटरेस्ट भी तो ले ही रहा है ना वो हमसे, तो काहे डर रहे हैं आप इतना? देखिए हम तो कह रहे हैं चलिए चल के पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर देते हैं, उसका दिमाग है ना ठिकाने पे आ जाएगा। हाँ अरे पगला गई हो क्या? पुलिस के पास गए तो वो हमको जान से मार देगा, कुछ हो बोलती रहती हुई इधर यार बहुत जोर लगा है। तो कितना मारे तो क्या करें बताइए तो। अच्छा सुनिए हम सोच रहे हैं कि हमारा जो जेवर है ना वो सारा बेच देते हैं, बेच के उनका कर्जा निपटा देते हैं। चलो हो जाइए, हिसाब चुकाने का टाइम आ गया है। क्या मतलब? अरे ललन भैया, अरे ये तो बदतमीजी है। अरे अरे छोड़िए हमारा हाथ। अरे ललन भैया, अरे चलो गलत कर रहे हैं। एक सप्ताह का टाइम दिए थे ना, पूरा हो गया है, चलो हो जाइए आराम से चलो। अरे ललन भैया, अरे पाव जी भैया कहते ना कि इन लोगों से दूर रहो। ए और हटो हटो। अरे हम कहते ना, कहते तुमको कि इनके चक्कर में मत पड़ना। ए छोड़ो छोड़ो, ये हमारी बहू है, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तो काका। ललन तेरा गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगा। गुंडागर्दी ना अभी दिखाई नहीं है, और दिखाएंगे ना तो पूरे परिवार को ही सुला के रख देंगे। नहीं 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 समझे, ऐसा मत कीजिए। अरे ललन भाई पैसा दे देंगे भाई। पैसा लेके आना, पैसा दे बस लो रे। कमलेश बाबूजी देखो ये कौन है। ए ललन छोड़ो संगीता जी को। औकात में रहो बे, सरपंच है हम, इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा उड़ो मत, आगे से किसी औरत पर बुरी नजर डाली ना तो सच कह रहे हैं तुम्हारा वैध अवैध सब धंधा बंद करवा देंगे। चलिए संगीता जी। ए सरपंच जी, हमारा नाम भी ललन यादव है और हमारे विषय में कुछ खास जानती नहीं है आप। जिस चीज पे एक बार नजर पड़ गई ना, देखते हैं कब तक बचाती हैं आप। चलिए 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 मालिनी जी, बहुत बहुत उपकार, आप हमारे घर की इज्जत को सही सलामत बचा कर ले आई। मालिनी जी बहुत ही थैंक यू आपका। अरे आप लोग इतना धन्यवाद करके हमको क्या शर्मिंदा कर रहे हैं? सरपंच हैं हम, लोगों का सेवा करना हमारा काम भी है और हमारा धर्म भी है, पर अफसोस की बात है कि हमारे एरिया में ये सब हुआ। हम तो सोचे थे साहब कि वो ललन हमको कभी परेशान नहीं करेगा, पर देखिए इतना नीच कमीना आदमी है, ऐसा करके हमें बहू को जान से मार दिया। अच्छा एक बात और पूछनी थी, संगीता जी ट्रैवलिंग कैसे करते थे? आई मीन कल वो मंदिर कैसे गए? ऐसे तो हमेशा वो अपनी गाड़ी से ही जाती है, लेकिन शायद हमारा नसीब ही खराब था। दो दो गाड़ियां हैं, लेकिन एक सुनील लेके और एक कमलेश, वो रिक्शा से ही गई। शर्मा इससे पहले ललन फरार हो अरेस्ट करो इसे, और हाँ ये ऑटो स्टैंड पे भी पूछताछ करो। औरत को देखा? हाँ सर देखा, कल शाम को आए थे, मास्क लगा के और मनोज की रिक्शा में बैठ के गए। मनोज का कौन है?
उसे। नलंगा है, नलंगा है। पता नहीं साहब, ललन भैया जी का कोई खबर नहीं रहता हमें। खबर नहीं है या अपने बॉस को छुपा रहे हो? तुम लोगों ने पहले संगीता का किडनैप किया, अब जब लगा पुलिस उठा लेगी तो ललन फरार हो गया हा? नहीं साहब, ऐसा हमने कुछ नहीं किया साहब। और ललन भाई क्या करते हैं, कैसे क्या, कुछ पता नहीं साहब। ऐसा नहीं बताओगे? नहीं चलो ऐसा। सर, सर। जीतू, तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं, हमें तुम्हारे नहीं मम्मी के अच्छा ही खाना है। हम नहीं खाएंगे। मम्मी को बुलाओ, मम्मी आ जाएगी। झूठ नहीं बोला हमसे, हम जानते हैं मम्मी कभी नहीं आएगी। नहीं जीतू, नहीं, ऐसा नहीं है, मम्मी आएगी। तू बैठ, सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। आई प्रोमिस यू, मम्मी आएगी। दीदी मम्मी कहाँ गई हूँ, उनकी बहुत याद आती है, उन्हें बुला लो यार। मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। सर 15 अक्टूबर की शाम संगीता ने इसी का ऑटो लिया था। बताओ सर। साहब उन्हें अपने रिक्शा स्टैंड से वो विमल नगर के मंदिर में छोड़े थे। सर संगीता का फोन कल शाम को 5 बजे करीब विमल नगर मंदिर के आसपास बंद हुआ था। तो फिर तो ये पॉसिबल है कि संगीता विमल नगर से ही किडनैप हुई हो। संगीता जब तुम्हारे ऑटो में बैठी थी तो उसने फोन पे किसी से बात किया था, कुछ सुना था तुमने? हाँ साहब, वो फोन पर मंदिर में किसी से मिलने की बात तो कर रही थी। सर हमने ललन का आदमी को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अभी भी यही बोल रहा है कि 15 अक्टूबर को ललन अपने फार्म हाउस पे ही था। ये ललन के आदमी है, ललन के फेवर में ही बात करेंगे ना। इससे ये साबित नहीं होता कि संगीता के रेप और मर्डर में इस ललन का हाथ नहीं है। अगर वो सच भी बोल रहे हैं कि ललन अपने फार्म हाउस पे था, तब भी वो जिस तरह का आदमी है किसी और से ये काम करा सकता है। ये ललन को ढूंढो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। और विमल नगर में पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है तो। सर और तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। जी साहब, नमस्ते साहब। हमारी मम्मी की न्यूज़ सुने हैं? हाँ, सब न्यूज़ चैनल पे 2 दिन से यही सब दिखा रहे हैं। सोचा तुम्हें कॉल करूं, लेकिन लगा कि घर का माहौल ठीक नहीं होगा, इसलिए नहीं कर पाया। समझ सकता हूँ तुम किस हालात से गुजर रही हो, स्ट्रांग बनाओ अपने आप को। हाँ क्या हुआ? सच सच बताइए, कहीं आप ही ने तो हमारी मम्मी का मर्डर नहीं किया है? हमने? क्या बोल रही है? देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। लेकिन सर आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, आपको कोई लीड मिली है या नहीं? देखिए पुलिस अपना। अरे रुकिए मीडिया वालों, हम आप लोगों के ही बिहाफ पे बात करने आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपसे विनम्र निवेदन है हमारा कि आप संगीता के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़िए। अरे उसकी वजह से हमारे घर की बहू बेटियां बाहर निकलने से डरने लगी हैं। देखिए हम उसे जरूर पकड़ेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ड्यूटी करनी है, इसलिए भी कि जो औरतों की इज्जत नहीं करता, उनके साथ दरिंदगी करता है, उसकी जगह बाहर नहीं जेल में है। लेकिन तब तक के लिए प्लीज आप सबसे विनती है कि हमें अपना काम करने दें प्लीज। धन्यवाद। अब देखिए बात तो हमने आप लोगों की भी पहुंचा दी है, अब आगे देखिए क्या होता है। बस सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संगीता की मौत रात 12 और 3 बजे के बीच गला घोटने से हुई है। गला उसी रस्सी से घोटा गया जो उसके बॉडी के पास मिला था। ये रस्सी पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं सर। कई बार रेप हुआ है, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। अरे और कितना शोक सभा चलेगा, खाना होना परोसी है, भूखे बैठे रहेंगे क्या? शोक ही मना रहे हैं,
कैसा निर्दय जैसा बात कर रहे हैं भैया? इस घर का बहू हमारा पत्नी मर गया है और आपको खाने का सूझ रहा है? तुम्हारा पत्नी मर गया तो हम सब भूखा मर जाएंगे क्या? हैं? और हमारा पत्नी मरा था कुछ साल पहले, हम बोले थे तुमको खाना छोड़ दो पीना छोड़ दो। बात कर रहे हो? माना संगीता आपको पसंद नहीं था तो क्या? इतना भी मत करिए, कैसा लगे कि आप बकवास करेगा ना मुंह तोड़ देंगे। भैया बड़ा भाई का हाथ पकड़ के मारेगा क्या भाई? और क्या? अरे बड़ा भाई का हाथ पकड़ के मारेगा। छोड़ो हम के ना, छोड़ो सुनील छोड़ो। अरे मुसीबत के समय परिवार को एक होकर रहना चाहिए। एक तुम दोनों एक दूसरे का गला काटने पे उतारू रहते हो। अरे अगर आपसी झगड़े करोगे मुसीबत में हम लोग ही पड़ेंगे। शोक सभा मना रहा है। तो संगीता की बॉडी जहाँ मिली थी 15 अक्टूबर की रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच वहाँ से करीब 40 से 50 गाड़ियाँ गुजरी थी। उन सभी कार की डिटेल्स ले ली है, होपफुली उससे कुछ लीड मिल जाए। ये संगीता 15 अक्टूबर को 4 बजे के आसपास घर से मंदिर जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद वो अपने पति के साथ मार्केट में साड़ी खरीदने जाने वाली थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, ना तो मार्केट में उसे किसी ने देखा ना मंदिर में, और भरे मार्केट से एक औरत किडनैप हो जाती है कोई नोटिस नहीं करता, किसी को कुछ नहीं पता, ऐसे कैसे? सर शायद वो किडनैपर को जानती हो, या फिर ये हो सकता है कि मंदिर और मार्केट के बीच जो सुनसान रास्ता है उसने वो ले लिया और किसी ने उसे वहाँ से किडनैप कर लिया। सर फिलहाल हमने विमल नगर में संगीता के बारे में पूछताछ की, कोई लीड नहीं मिली। उस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उनके फुटेजेस कलेक्ट कर लिए, होपफुली उससे कुछ पता चल जाए। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, शर्मा फैमिली का पहला ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन 2 साल पहले कमलेश और उसके बड़े भाई को अफीम के मामले में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये केस अभी भी चल रहा है। सर ये फैमिली जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि उनके काम वाली ने काफ़ी कुछ बताया उनके बारे में। मैडम हम आपको बता रहे हैं लेकिन हमारा नाम मत लीजिएगा, कमलेश साहब है ना, हम उनके यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं। 2 साल पहले कमलेश भैया और सुनील भैया दोनों भाइयों को पुलिस घर से उठा कर ले गई थी, तब संगीता भाभी कमलेश भैया का जमानत करवाई। ये बात पर उसके ससुर है ना राम प्रसाद सेठ बहुत गुस्सा किए थे। लेकिन अपने बेटे को बेल दिलाने में नाराज होने वाली कौन सी बात थी? बात थी मैडम कहे कि इस निकम्मे का बेल करवाने के लिए तुमने खानदानी जेवर गिरवी रख दिए, वो भी हमसे बिना पूछे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बापूजी शांत हो जाइए, अरे गिरवी रखे हैं बेचे नहीं हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे ऐसा केस में जमानत में बहुत पैसा लगता है, और वैसे भी अरे जब घर का बिजनेस ठीक हो जाएगा तो वो जेवर वापस आ जाएगा। कौन करेगा ये जो बिजनेस ठीक करेगा, कौन करेगा? ये निकम्मा। अरे इसको छुड़वाने से अच्छा था सुनील को छुड़वा लेती, उसकी जमानत करवा लेती, सारा कारोबार संभाल लेता, सब कुछ ठीक हो जाता। इस निकम्मे का काम है सिर्फ रोटियां तोड़ना। माफ कीजिए बाबूजी, निकम्मे ही नहीं है आपके बड़े सुपुत्र हैं, गलत काम वो कर रहे थे और इनको भाई होने के नाते पुलिस उठा के ले गई। आप बताइए ट्रांसपोर्ट में इनका कछु लेना देना था क्या? और वैसे भी हम जानते हैं क्यों आपके लिए निकम्मे हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ इन्होंने हमसे लव मैरिज किया। तुम बेकार इल्जाम लगा रही हो सुनील पे, ये सब जानते हैं। आपके बड़े सुपुत्र अफीम का धंधा कर रहे थे, अनजान मत बनिए आप। अरे हम खुद ही उसको कितनी बार रंगे हाथ पकड़े हैं। और माफ कीजिए बाबूजी, हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप ही उनका मदद कर रहे थे उस धंधे में। और एक बात सुन लीजिए, अगर हमको उनके खिलाफ गवाही भी देना पड़ा ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका जहर तो मैं निकालूंगा ही सही, सुनील की जमानत पहले करवाऊंगा, चाहे गांव की सारी जमीन क्यों ना बेचना पड़े। राम प्रसाद सेठ अपने बात पर रहे, बहुत खर्चा किए, ऊपर से नीचे तक जुगाड़ लगाए और सुनील साहब को जेल से बाहर निकाले, लेकिन सुनील भैया भी वैसे ही हैं, जेल से बाहर आते ही एकदम आग बबूला हो गए थे। जेल भेजवाई क्या लगता है आपको, डर जाएंगे हम? बिल्कुल गवाही देंगे आपके खिलाफ, गलत काम आप किए तो आपको क्या लगता है हमारे पति उसका भुगतान करेंगे? हम उस समय बहुत गुस्सा में थे सर, हम जो कुछ किए जो बोले वो सब गुस्सा में बोले थे, हम सच बोल रहे हैं, उसके बाद कभी हम टच भी नहीं किए संगीता को। 15 अक्टूबर की शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच कहाँ थे तुम दोनों? हम तो घर पे ही थे। और हम अपना दोस्त के साथ में थे। दोस्त के पास कहाँ? एग्जैक्ट बोल। विमल नगर, कहिए तो पूछवा देंगे। शर्मा जरा वेरीफाई करो ये सच बोल रहा है या झूठ।
तुमसे कितनी बार कहे हैं हम कि जब तक संगीता का मैटर खत्म नहीं हो जाता हमको फोन मत करो। देखो थोड़ा शांत हो जाओ वरना भारी पड़ जाएगा। सर संगीता की बॉडी जहाँ मिली थी 15 अक्टूबर की रात वहां से कुछ ही दूरी पे नाकाबंदी लगी हुई। सर वहां की सीसीटीवी फुटेज सर ये देखिए, रात करीब 2 बजे के आसपास ये व्हाइट कार उस नाकाबंदी पे आई और बिना रुके चली गई। इन दोनों कांस्टेबल्स ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुकी नहीं। सर दोनों कांस्टेबल्स ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। पता लगा उस कार का मालिक कौन है? जी सर। और सर संगीता की मोबाइल की लोकेशन उस दिन पहले विमल नगर के मंदिर के पास की थी जहाँ से उसके मोबाइल की लोकेशन मूव करने लगी और अचानक फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दिन सुनील की मोबाइल की लोकेशन भी विमल नगर की ही थी। तो हो सकता है सुनील ने संगीता का किडनैप किया हो तभी किसी को पता नहीं चला। सर ये भी हो सकता है उसने किडनैपिंग किसी और से करवाई और किडनैपिंग को मॉनिटर किया। हो सकता है। ये रामप्रसाद और लल्लन की लोकेशन उस समय क्या थी? सर रामप्रसाद की मोबाइल की लोकेशन पूरे दिन अपने घर की थी और लल्लन की मोबाइल की लोकेशन अपने फार्म हाउस की। सर खबरियों से पता चला है कि लल्लन अपने दूसरे फार्म हाउस पर चुप कर बैठा है रामनगर में। शर्मा साहब बात तो सुनिए हमारा। साहब हमको मालूम है संगीता के लिए उठा रहे ना आप लोग हमको, लेकिन साहब आप किसी से भी पूछ लीजिए जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन हम बलरामपुर वाले फार्म हाउस पे थे। आप हमारे आदमियों से पूछ लीजिए। हम पूछेंगे और वो बता देंगे ना। हाँ पर उनसे क्यों पूछें? तू है ना हमारे पास, चले से गाड़ी में। साहब अरे सुनिए तो साहब, हमने कुछ किया ही नहीं है। सर जो कर नाकाबंदी तोड़ के निकली थी वो किसी नितिन सक्सेना के नाम पे रजिस्टर्ड, जो MK कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर? जी सर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि संगीता की बॉडी हमें जहाँ मिली थी उस रात उसके बाजू में से जो 40 गाड़ियाँ गुजरी थी ये गाड़ी उनमें से तो एक है ही। उसके अलावा विमल नगर जहाँ से शायद संगीता किडनैप हुई थी ये गाड़ी वहाँ के CCTV कैमरा में भी क्लियर नजर आई। शर्मा पता करो इस प्रोफेसर का और संगीता का क्या कनेक्शन है और इस गाड़ी की डिटेल्स सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। जी सर। सर 15 अक्टूबर को ही हमारी गाड़ी चोरी हुई थी। सर हमने पुलिस स्टेशन में इसका रिपोर्ट भी लिखा है, ये देखिए। संगीता शर्मा को कैसे जानते हो? संगीता शर्मा कौन सर, हम नहीं जानते। हाँ हो सकता है, लेकिन जिस तरह से किडनैपिंग हुई थी उससे तो ऐसा ही लगता है कि संगीता किडनैपर को जानती थी तभी किसी ने नोटिस नहीं किया। सर हो सकता है लल्लन ने संगीता को दोबारा किडनैप कर लिया हो। लेकिन अगर ये लल्लन संगीता को किडनैप करता तो वो इतनी आसानी से उसके साथ नहीं जाती। अरे कोई तो नोटिस करता, अगर लल्लन ने नहीं किया तो कौन हो सकता है? एक्सक्यूज मी, हेलो कहाँ पर? सर बॉडी के वैसे रसी मिला। स्मिता जी सर इस बॉडी को भी संगीता की बॉडी की तरह न्यूड चादर में निपटा है और गले का निशान भी उसी तरीके का है। इसका गला भी ठीक उसी तरह घोटा गया है जिस तरह से संगीता का, शायद इसी रस्सी से। सर आपने एक चीज नोटिस की, संगीता की बॉडी भी एग्जैक्टली इसी जगह पे मिली थी। वो क्राइम की मोडस ऑपरेंडी भी बिल्कुल सेम है। शायद ये दोनों मर्डर किसी एक ही आदमी ने किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी सीरियल किलर का काम है और हम ये दुश्मनी और फैमिली का एंगल ढूंढ रहे हैं? शर्मा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस जगह दोनों रास्ते जो आते हैं उनकी CCTV फुटेज फिर से खंगालो, इसकी फोटो निकालो और आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो, देखो कुछ पता चलता है तो। सर सर जिस लड़की की डेड बॉडी हमें मिली थी उसका नाम कोमल यादव, ये भी पता चला कि कोमल और उसकी माँ शर्मा पिकल फैक्ट्री में काम करते थे। मतलब दोनों विक्टिम्स में कोई ना कोई कनेक्शन तो है, ये किसी सीरियल किलर का काम नहीं है, किसी की सोची समझी साजिश है। पुलिस की शक की सुई संगीता के परिवार पर घूम रही थी, एक परिवार जहां इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानता है
क्या वहाँ के लोग इतना घिनौना काम कर सकते हैं? संगीता और कोमल एक दूसरे को जानती थी, पर सवाल ये था कि ऐसी कौन सी वजह थी जो इन दोनों के मौत का कारण बनी? ऐसी कौन सी कड़ी थी जो इन दोनों के खून को आपस में जोड़ती थी? हमें ऐसा लगता है कि कोमल और संगीता, इन दोनों को एक ही आदमी ने मारा है। क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानती हैं या किसी पे ऐसा शक है जो इन दोनों को मार सकता है? हाँ, जानते हैं और बढ़िया से जानते हैं। ये सब वो कमीना विनोद किया है। कौन विनोद? आते जाते हमने कोमल को परेशान करता था। तुम्हारी बात मान लो, तुम्हारा कोमल सा बदन है ना, बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। एक दिन तो संगीता मैम साहब ऐसा करते देख ली और सबके सामने उसे थप्पड़ भी मारी थी और साहब तो उसे नौकरी से भी निकाल दिए थे। सर, हम कोमल क्यों को मारेंगे? हम तो उसे लव करते थे। लव करता था तो उससे, इसलिए धंधा करवाना चाहता था उससे? नहीं सर, हमने मजाक में मिस्टेक से बोल दिया था। सर, हमको बाद में बहुत ग्लानी हुआ, इसलिए सर हम उससे माफी मांगना चाहते थे। कल दोपहर को हम उसके पीछे गए और सर हमने देखा कि और उस गाड़ी में कौन था? हम थोड़ा दूर थे इसलिए देख नहीं पाए। सर, सर एक मिनट, सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। नितिन कॉलेज के जिस क्लास को पढ़ाता था वहाँ संगीता की बेटी प्रिया भी पढ़ती है, तो प्रिया कई बार संगीता को अपने कॉलेज भी लेकर गई थी। फिर इस प्रोफेसर नितिन ने ये झूठ क्यों बोला कि वो संगीता को नहीं जानता? संगीता शर्मा कौन सर, हम नहीं जानते। इस प्रोफेसर नितिन की कुंडली निकालो, फिर हम इसकी क्लास लेंगे। सर, प्रिया हमारी दोस्त है, अगर उसे पता चला कि हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज़ आप उसे मत बताइएगा। घबराइए मत, उसे कुछ नहीं बताएंगे। सर, प्रिया और प्रोफेसर नितिन का अफेयर था, ये सारी बात उसकी मम्मी को भी पता चल गई थी और ये सारी बात प्रिया ने हमको खुद बताई थी कि कैसे उसकी मम्मी ने उस पर डाउट किया था और फिर उसका पीछा किया था। बहुत सुंदर लग रही है। सर, हम मानते हैं कि हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर सर हम सच कह रहे हैं। सर, प्रिया की मम्मी संगीता के साथ हमने कुछ नहीं किया है और यही बात हमने सर प्रिया को बताई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसको भी लगता है कि हमने उसकी मम्मी के साथ कुछ गलत किया है। संगीता का मर्डर किया तूने, अगर वो तेरे खिलाफ कंप्लेन कर देती तो तेरा करियर, तेरी नौकरी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सर, हमारा यकीन माने, हमने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है तू, और जब तक तू सच नहीं बोलेगा यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। सर, इनकी व्हाइट कार मिल गई है। सर, गाड़ी चेक की कुछ मिला? नहीं सर, अब तक तो नहीं, पर सर्च कर रहा हूं। लगता है दोनों मर्डर्स के बाद गाड़ी को यहां लाकर डंप किया गया है। पूजा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और गाड़ी पर फिंगरप्रिंट्स को कलेक्ट कराओ। सर, तो संगीता का जो फोन स्विच ऑफ हुआ था वो स्विच ऑन हो गया, लेकिन नंबर कोई और है। नंबर ट्रेस करो, देखो कौन यूज कर रहा है। जी सर। फोन ला। अरे निका, सब क्यों हुआ, कैसा, किसका फोन है ये फोन? सर, ये फोन तो एक आदमी कुछ दिन पहले हमको बेचा था। कौन था, कुछ याद है? नाम हुलिया कुछ? सर, नाम तो नहीं पता। हाँ, हुलिया बता सकता हूँ। स्केच बनवा सकते हो? सर, सर नितिन की गाड़ी में उसके अलावा और एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले जो हमारे डेटाबेस में मैच करता है। ये देखिए सर, सर रंगा नाम का आदमी है, 5 साल पहले मर्डर केस में जेल जा चुका है, लेकिन क्राइम प्रूव नहीं हो पाया इसलिए छूट गया। इसी आदमी के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर,
सर, संगीता का फोन जिसने मोबाइल शॉप में बेचा था, उसकी स्केच ये देखो, पहचाना कौन है ये? सीधे सीधे बता रहा है और तुड़ाई करूं? प्रोफेसर की गाड़ी से तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं, पूरा बोल वरना और तोड़ा जाएगा। बताते हैं साहब। अरे कोमल जी साहब, वो दोनों हमको पहले से जानती थी, वो मालिनी जी के साथ देखा था उन्होंने हमें। अरे भाभी जी, अरे रंगा, ऐसा लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं? सॉरी, कहाँ जा रहे थे आप? सर, लिफ्ट देने के बहाने हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और गाड़ी पे बिठाते सर हमने उनको सुंगा दिया, बेहोश हो गया, हमने उनका फोन जल्दी से स्विच ऑफ कर दिया फोन। वो काम सर हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, वो आदमी बोला था हमें करने के लिए। कौन आदमी? सर, जब 4 महीने पहले वो ललन हमारी पत्नी संगीता को उठा लिया था, तो मालिनी ने उसे छुड़वाया सर। उसका पावर पोजीशन देख के हमको उससे लव हो गया सर, हमको भी पावर पोजीशन चाहिए था। मालिनी भी हमको लाइक की, हमारे लव को कबूल कर ली, फिर हम लोग छुप छुप के मिलने लगे। सर, हम उससे शादी करना चाहते थे सर, लेकिन मालिनी ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि हमारा संगीता का रिश्ता टूटे सर, लेकिन हम खाली मालिनी को चाहते थे सर, सिर्फ मालिनी। तो हम सोचे कि अगर संगीता अपने आप मर जाए तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी सर। खुद से नहीं मरी थी वो, तूने मरवाया था उसे, आगे बोल। इसके लिए सर अब मालिनी के बॉडीगार्ड रंगा से मिले, हम जानते थे सर कि वो बॉडीगार्ड की नौकरी करने से पहले एक अपराधी था, बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था सर। सर, पैसों के लालच में रंगा संगीता का खून करने के लिए राजी हो गया, फंस गया था सर वो। हम जानबूझकर उस नितिन का कार चोरी करवाए, क्योंकि हमें पता था कि संगीता नितिन से गुस्सा थी सर, और गाड़ी पकड़ा भी जाएगा तो फंसेगा नितिन। मिल गई पावर और पोजीशन, और अपनी बीवी को मरवा कर अपने बच्चों को भी तुमने अनाथ कर दिया, अब सड़ सारी जिंदगी जेल में। वो किसी और के साथ खुशी खुशी रहना चाहता था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए 2 मासूम लोगों की हत्या करवा के कोई खुश रह कैसे सकता है? ये एक ना सुलझने वाली पहेली थी, ऐसी खुशी किस काम की जो कई परिवारों को बर्बाद करके मिली हो। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा, कल फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत परिवार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।